बिहार बोर्ड एलेवेंथ दिसंबर मासिक परीक्षा का देख सकते हैं दोस्तों साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है मेरे पास देख सकते हैं इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा साथ में बताऊंगा कि पीडीएफ डी कहाँ से डाउनलोड करना है ताकि आप लोग एग्जाम में छाप सके देख सकते हैं लिखा हुआ है मंथली एग्जामिनेशन ठीक ना पेपर में लिखा रहता है तीन विषय कोड है ठीक और यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है डी दिसंबर ठीक चलिए फटाफट आपको पूरा रट लेना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ठीक ना देखिए तीस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा जिसमें आपको पच्चीस ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है तो मैं आपको तीसों ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है पहला सवाल आपका कह रहे हैं कि कौन सी अवस्था मानव विकास की अंतिम अवस्था होती है तो एक का आंसर आपका डी हो जाएगा वृद्धा अवस्था ठीक ना नोट करते जाइएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा पी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कहाँ से डाउनलोड करना है ताकि एग्जाम में आप लोग छाप सके तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दो नंबर प्रश्न कह रहा है कि शरीर का कौन सा भाग क्रियाहीन होने पर लकवा होने की संभावना होती है तो दो का आंसर जो आपका डी हो जाएगा आ, सुसुम सुसुमना ठीक चलिए तीन नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मांसपेशियाँ एवं ग्रंथियां किसके अंतर्गत आती है तो दोस्तों इसका आंसर जो आपका तीन का बी हो जाएगा आ, प्रभावक अंग ठीक चलिए नोट कर लीजिएगा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूँ चलिए चार नंबर आपका प्रश्न कर रहे चार नंबर की प्रवाहक प्रवाहक एवं संवाहक अंगों को कौन संयुक्त करता है तो चार का आंसर आपका क्या हो जाएगा चार का आंसर सी हो जाएगा अस्नायु तंत्र चलिए अगला प्रश्न आपका रहा पाँच नंबर कि किस पुस्तक से देहिक मनोविज्ञान का स्वरूप निश्चित हुआ है तो पाँच का जो आंसर होगा आपका पाँच का आंसर बी हो जाएगा प्रिंसी प्रिंसिपल ऑफ फिजियो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी ठीक चलिए अगला प्रश्न आपका रहा छः नंबर छः नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि रक्त को साफ करने में कौन सा अंग कार्य करता है तो छो का आंसर ए हो जाएगा हृदय चलिए नोट करते जाइएगा आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको पी डाउनलोड कर लेना है ताकि एग्जाम में आप लोग छाप सके सात नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी अंतअस्त्रावि ग्रंथि है तो इसका आंसर सात का आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी ठीक चलिए आठ नंबर प्रश्न प्रश्नकारा निरोन कहाँ पाया जाता है तो आठ का आंसर आपका सी हो जाएगा तंत्रिका आवेग नौ नंबर प्रश्न करा निम्न अवस्थाओं में कौन गर्भ गर्भस्थ शिशु के विकास की अवस्था नहीं है तो नौ का आंसर आपका ए हो जाएगा ठीक भूर्ण अवस्था दस नंबर प्रश्न कर रहा है दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं किसने कहा है तो दस का आंसर जो है दस का आंसर हमें नहीं मिला दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि देखिए आपको पच्चीस ऑब्जेक्टिव आंसर देना है तो पच्चीस में पच्चीस आपको मिलेगा सिर्फ दस का आंसर हमें नहीं मिला आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका क्या होगा ग्यारह नंबर कराए हमारे तंत्रिका तंत्र के मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं तो ग्यारह का आंसर आपका बी हो जाएगा तांत्रिक तंत्रिका कोशिका ठीक बारह का डॉट डोट तंत्रिका कोशिका का मुख्य अंग है तो बारह का आंसर जो है आपका बारह का सी हो जाएगा काय तेरह नंबर प्रश्न डॉट डोट शाखाओं की, की तरह की विशिष्ट संरचना वाले होते हैं जो कार्य काय कार कोशिका से निकल निकल निकलते हैं तो तेरह का आंसर जो आपका तेरह का आंसर डी हो जाएगा केंद्रक चलिए चौदह नंबर कर रहा है संवेदी तंत्रिकाओं डो डोट भी कहते हैं तो चौदह का आंसर आपका सी हो जाएगा अभिवाही कहते हैं यानी कि सी हो जाएगा चौदह का आंसर पंद्रह नंबर प्रश्न देख लीजिए पंद्रह नंबर का रहा है कि लिम्बिक प्राणी में डॉट डोट भावनात्मक संवेदनात्मक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका भी आंसर हमें नहीं मिला सोलह नंबर का रहा है कि डॉट डॉट एक अनैच्छिक क्रिया है जो उत्तेजना के बाद तेजी से घटित होती है तो इसका आंसर जो है सोलह का आपका यही हो जाएगा प्रतिवर्त सत्रह का रहा है डॉट एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता एवं परिवर्तन होता है तो सत्रह का आंसर जो आपका डी हो जाएगा जीवन काल चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए अठारह नंबर कर रहा है डोट डोट प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों को कहते हैं तो अठारह का आंसर आपका डी हो जाएगा जीवन काल ठीक चलिए नोट करते जाइएगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है पूरा रट लेना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उन्नीस नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कर्क संपूर्ण संबंध किसको प्रभावित करता है तो उन्नीस का आंसर जो आपका उन्नीस का डी हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि समाज भी हो जाएगा परिवार भी हो जाएगा और बालक भी हो जाएगा सीधा डी आपको मार के आना है चलिए आगे देख लीजिए बीस नंबर का रहा है किसी परिवारों में माता पिता सदैव लड़ते हैं तो बीस का आंसर आपका ये हो जाएगा अव्य अवस्थित अभस्ति, अवस्थित परिवार ठीक है ना अव्य अवस्थित परिवार इक्कीस नंबर का रहा है किसी की स्वतंत्रता पर वंदिश लगाना क्या है तो इक्कीस का आंसर आपका बी हो जाएगा प्रतिबंधकता बाईस का रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भावना है जो बालक की असामान्यता में पृष्ठभूमि का कार्य करती है तो बाईस का आंसर आपका ए हो जाएगा अनुशासन तेईस का राय एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तो तेईस का आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं चलिए चौबीस नंबर का राय निम्नलिखित में से कौन महिला यौन हार्मोन है तो चौबीस का आंसर आपका ए हो जाएगा एस्ट्रो स्ट्रोजेन प्रोजेस्ट्रोज आ, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन ठीक पच्चीस कड़ाए थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले अस्त्राब को क्या कहते हैं तो पच्चीस का आंसर आपका डी हो जाएगा थायरोक्सिन छब्बीस कराए मानव के नवजात बच्चे शिशु में कितने घंटे निद्र अवस्थी अवधि पाई जाती है तो छब्बीस का आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं चलिए आगे देख लीजिए छब्बीस के बाद सत्ताईस यौन व्यवहार को नियंत्रित करने में कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है तो सत्ताईस का आंसर आपका ए हो जाएगा पीयूष ग्रंथी अट्ठाइस आपका कह रहा है संग संवेगा संवेदनात्मक अवस्था में कौन सी ग्रंथी सबसे अधिक सक्रिय होती है तो अट्ठाईस का आंसर जो है आपका अट्ठाइस का आंसर आपका डी हो जाएगा एंड्रीनल ग्रंथी उनतीस कह रहा है डॉट डॉट एंड्रीनल ग्रंथी का भीतरी भाग है तो उनतीस का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तीन गो का आंसर हम नहीं दे पाएँ तीस नंबर कह रहा है संस्कृति संक्रमण के कारण डॉट डॉट में अनेक परिवर्तन होते हैं तो तीस का आंसर आपका सी हो जाएगा चलिए हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पी कैसे आपको डाउनलोड करना है पी डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोल लेना है गूगल में सर्च मारना है एस के नॉलेज क्लास क्या मारना है सर्च एस के नॉलेज क्लास उसके बाद फर्स्ट नंबर में वेबसाइट दिखेगा एस के नॉलेज क्लास डॉट कॉम इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा ध्यान से आपको समझना है यहाँ देखिए आपको एक एड दिखेगा एड पे क्लिक करना है ताकि पेज रिफ्रेश हो जाए और पीडीएफ आसानी से डाउनलोड हो जाए क्योंकि देखिए वीडियो पब्लिक करने के बाद एक दो मिनट के बाद हम जो है इसमें पी लगाते हैं तो अब लगाने के बाद जो है आप लोग रिफ्रेश नहीं करते हैं बार बार वेबसाइट पर जाते हैं रिफ्रेश नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है आपको पी दिखाई नहीं देता है तो आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा एड पर क्लिक करके उसके बाद आंसर की पे आपको क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों फिर एड दिखेगा एड पे आपको क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा अब यहां ध्यानपूर्वक आपको समझना है ऊपर स्क्रॉल करना है यहाँ लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड इलेवंथ दिसंबर मंथली एग्जाम 2023 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस पर पे सिंपल सा आपको क्लिक करना है जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा फिर ऊपर आपको करना है जिस भी विषय का डाउनलोड करना है आपको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों जो भी विषय आप जैसे कि साइकोलॉजी है तो ऑब्जेक्टिव के लिए यह सेक्शन बनाया गया है ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए यह सेक्शन बनाया गया है यहाँ ऊपर में लिखा भी होगा देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो जो भी आपको डाउनलोड करना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अभी आके डाउनलोड कर लीजिए हम पी लगा दिए हैं डाउनलोड कर लीजिए